खाली अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी होती है। कल शाम को मैं वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के नगरी में शयन आरती में दर्शन किया, आज सुबह संकट मोचन में हनुमान जी के दर्शन किए, फिर दुर्गा कुंड में माँ दुर्गा के दर्शन किए, और जौनपुर में आते ही सबसे पहले हमारे सब जो साथ में जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, इष्ट नगर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश यादव जी, हमारे सुशील मिश्रा जी, हम सब लोगों ने दर्शन करने मांगना, मैंने कहा कि माँ बाप के साथ मांगना नहीं पड़ता है, खाली श्रद्धा व्यक्त जाती है। रणनीति क्या रहेगी पिछली हार और इस बार जीत के लिए? एक तो प्रधानमंत्री की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, हम सिपाही बन के सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि जो विकास 2014-2017 से शुरू हुआ, बाद 2022 हुआ, अभी 2024 है, इसकी जनता एक सबसे बड़ा काम मेरी निगाह में जो दो था जिसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, एक तो था आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया उससे रहा नहीं गया, और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, उनके साथियों ने विरोध किया। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ जिन लोगों ने 370 हटाए जाने विरोध किया वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते, भारतीय तो हो ही नहीं सकते। दूसरा, करोड़ों राम भक्त रोते थे, और मैं मेरी धर्मपत्नी की बात करूँ भगवान राम के लिए मुझे कई बार कहती थी इस पार्टी में कब तक काम करो जो भगवान राम मंदिर नहीं बनने दे रहा है, मैं कुछ जवाब मेरे पास नहीं होता था। लेकिन आज वो सारे लोग जो रोते थे, सोच नहीं पाते थे कि प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनकी जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा, वो साकार हुआ। इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो इस देश की सनातन धर्म को, इस देश के देवी देवताओं को और इस देश के विकास को खुद बताएंगे, आपको चिट्ठियाँ, आपको पता भी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है नरेंद्र मोदी जी, तो परंपरा से हट के देश का एक दूसरे देश प्रधान जी पैर छू के पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति जो बाइडेन कहता है मोदी जी एक सेल्फी दे दो, आप कितने पॉपुलर हैं, हमारे यहाँ आपको मिलने के लिए उतरस है। इतना बड़ा सम्मान जो 140 करोड़ जनता वाला भारत देश को मिला है, तो मुझे लगता है कि उनके संदेश लेकर के हम लोगों के पास जाएंगे। सपा की साइकिल पर राहुल जी भी अब सवार हो गए हैं, इस पार्टी से आप आए हैं भाजपा में? अब जिस पार्टी में रहा उसके बारे में कहना नहीं है, लेकिन साइकिल पर लीडर जो लीड करता है लीडर होता है, और एल जब डी की जगह जाता है, डी एल की जगह जाता है, जो डील करते हैं वो डीलर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाला लीडरशिप है, उनके बाद डीलरशिप है, क्या डील करते हैं, तेजस्वी 2 सीट हमको दे दो, अखिलेश 4 सीट हमको दे दो, केजरीवाल 2 सीट हमको दे दो, ये डीलर के साथ उनके बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप प्रत्याशी घोषित होते हैं, वहीं दूसरी ओर धनंजय सिंह भी चुनाव को लेकर ऐलान कर देते हैं कि जो हम तैयार हो गए हैं, हम लोग भी क्या कहेंगे? बोलना नहीं मुझे, बहुत लोग लड़ते हैं सामने, आपके सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता है धनंजय सिंह, तो क्या पता नहीं किसके नेता है, मुझे नहीं लगता कि आपकी राह में, मुझे कुछ मालूम नहीं उनके बारे में क्या नेता है, किसके नेता मुझे मालूम नहीं। एक ये बताएं कि यहाँ पे प्रत्याशियों की बड़ी लंबी फहरिस्त थी, और उसके बाद अंतर विरोध भी कुछ देखने को जैसा कि, तो उसके लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे? एक तो अंतर विरोध शब्द मेरे कान पे तो नहीं आए हैं और मुझे दिखाई दे पड़ रहा है। कल बात हुई हमारे जिला अध्यक्ष से, गिरीश यादव जी से, बाकी सब लोगों ने, बाबतपुर चौराहे से कोई गाड़ी खुद के कोई भाड़े पे नहीं किया, गाड़ी सब ले लेकर के 300-400 काफिला चल रहा है, जौनपुर में छोटे से लेके बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये विषय मुझे लगता है किसी दूसरे के लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी में।